चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने मां मुख निर्मालिका गौरी व माता शैलपुत्री के दरबार में हाजिरी लगाई। देवी आराधना के विशेष पर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ शनिवार से हो गया। इस अवसर पर बाबा भोले की नगरी काशी देवी आराधना में लीन रही। भोर से ही शहर के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसके साथ ही घरों में कलश स्थापना के साथ ही विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र में नौ देवी दर्शन के क्रम में देवी के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन का विशेष विधान है। वही प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है। काशी में देवी मुख निर्मालिका गौरी का मंदिर गंगा तट के करीब गाय घाट के हनुमान मंदिर में स्थित है। पहले दिन दर्शन पूजन करने आने वालों से मंदिर पटा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां को प्रिय गुड़हल का माला, नारियल फूल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर पूजन अर्चन किया और मां से सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में माला फूल इत्यादि की दुकानें सजी रही। वासंतिक नवरात्र में पहले दिन मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन का प्रावधान है। ये दिन गौरी दर्शन का ही होता है और प्रथम गौरी है, ये गंगा किनारे है ये, और ये सौभाग्य की गौरी है, सौभाग्य देती है। तो गुरु जी, इनके दर्शन पूजन से किस तरह के फल मिलते हैं? विशेषकर मतलब जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनको मतलब सौभाग्य मिलता है, और जिनको पुत्र नहीं होता, पुत्रियाँ नहीं होती है, उसकी कामना करती हैं, उनकी सफलता होती है। इसी कड़ी में माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री देवी के दर्शन की मान्यता है। माता शैलपुत्री का मंदिर अलईपुरा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का क्रम प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर माँ की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी आदि प्रसाद अर्पित कर माँ का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा, जहाँ नारियल, चुनरी इत्यादि प्रसाद की दुकानें सजी रहीं। इसके साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। छोटे लाल जी, आज प्रथम दिन किस माता का दर्शन पूजन चल रहा है? आज वासंतिक नवरात्र है, इसमें नौ देवी माता का दर्शन होता है, क्योंकि काशी में गौरी के मान्यता है। इसलिए आज प्रथम दिन मालिका गौरी का दर्शन और नौवे दिन महालक्ष्मी गौरी का दर्शन होता है। क्योंकि ये शैलपुत्री माता का नाम इसलिए पड़ा है कि हिमालय पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, और यही आदि शक्ति जगदम्बा है जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना किया है। और माता नहीं हो सकती है, माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। कोरोना काल में जो भक्त नहीं दर्शन कर पाए, आज उसका सैलाब बहुत बड़ा है और माता के दरबार में अच्छी खासी भक्त इकट्ठा हो गए। गुरु जी, किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के दर्शन? माता के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, रोगों का क्षय होता है। और माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में सुख शांति प्राप्त हो। यूक्रेन रूस की जो युद्ध चल रही है उसमें धन जन की हानि हो रही है, ये तत्काल माता जी ये प्रार्थना है कि इसको रोक दें और सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सुख शांतिपूर्वक रहें। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ जनता से कि माता का दर्शन प्रतिदिन होता है, 12 से 3 पट बंद रहता है, 9 बजे से आरती होती है, और सभी भक्त जो है आकर उसका लाभ उठाएं। मैं माता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे माता 2 साल से हम लोग को दर्शन नहीं मिल रहा, इस वक्त इतना जनता में भीड़ हुआ है दर्शन माता के लेने के लिए। माता हम लोग को बहुत सुखी रखती, सबको सुखी रखती। जो मोदी सरकार कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कितने साल से दर्शन करने आ रही है हम लोग? अरे हम 35 साल से दर्शन करने आ रहे हैं। आज यहाँ तो जो है माता जी का दर्शन जो है, इनका नाम है शैल की पुत्री है और शास्त्र है प्रथम शैल की द्वितीय मुरारी तृतीय चंद्र कुषाण जी चतुर्थम पंचम और षष्ठम है सप्तम काल का मोर्णन सिद्धार्थ इनका जो है शास्त्र पुराण है और इनका दर्शन करने से सब जितने मनोकामना मंदिर की क्या मान्यता है? कितना साल पुराना है ये जो मंदिर? यहाँ जो है बहुत पुराना है।